चार धाम यात्रा आखिरी चरण में, बंद होने लगी दुकानें, सिमटने लगा सामान, इस बार व्यापारियों की आय में इजाफा। चार धाम यात्रा अब अपने आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। यमुनोत्री धाम आने वाले यात्रियों की संख्या में अब भारी कमी देखने को मिल रही है, जिस वजह से यात्रा व्यवसाय से जुड़े लोग अब अपना सामान समेटने लगे हैं। लेकिन इस बार की यात्रा स्थानीय दुकानदारों और व्यवसायियों के लिए काफी शानदार रही, जिस वजह से उनके चेहरे पर अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। 2020 और 2021 की यात्रा कोरोना काल के चलते बिल्कुल ठप थी। व्यवसायियों की आय इन दो वर्षों में कुछ भी नहीं रही, लेकिन 2022 और 2023 उनके लिए रिचार्ज ईयर बनकर आया। व्यवसायियों के लिए ये साल पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बेहतर रहा। यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने वाले हैं। भैया दूज के दिन माँ यमुना के धाम के कपाट बंद होंगे और यमुना मैया की डोली अपने मायके खरसाली पहुंचेगी। अब वैसे भी यात्रियों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, ऐसे में व्यवसाय से जुड़े लोग अपना सामान समेटने लगे हैं। वहीं पहाड़ों में बर्फबारी का दौर शुरू होने वाला है। ठंड की दस्तक से मौसम सर्द हो चुका है। इस साल यात्रा के लिहाज से काफी बेहतर रहा। मौसम ने भी व्यवसायियों का साथ दिया और उनकी आय में इजाफा हुआ। वहीं रिकॉर्ड तोड़ यात्री चारों धाम पहुंचे, जिस वजह से स्थानीय दुकानदारों की आमदनी अच्छी हुई और मंदिर समिति को भी काफी फायदा हुआ। यमुनोत्री में अब दुकान सिमटने लगी है। मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी से जानेंगे यमुनोत्री धाम के स्थानीय दुकानदार किस प्रकार अपनी दुकानें समेट रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव जानकी चट्टी में और यही वो स्थान है जहां तक तीर्थ यात्री वाहनों के द्वारा यात्रा करते हैं और इसके बाद सफर तय होता है पैदल मार्ग से और यहां से करीब 5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद यमुनोत्री धाम पहुंचा जाता है। अभी वर्तमान समय के जो हालात जानकी चट्टी में यमुनोत्री धाम की यात्रा को लेकर के जो देखे जा रहे हैं, अब कमी दिन शेष है जिससे जो है कपाट बंद हो जाएंगे भैया दूज के पावन पर्व पर, और इसके चलते जो यहाँ तमाम जो यात्रा व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग थे वो अपना अपना सामान अब समेटने लगे हैं। कहीं ना कहीं यात्रा में कमी अब दिखाई दे रही है। हालांकि इस बार की जो यात्रा रही उससे काफी कुछ रिचार्ज यहाँ के जो व्यापारी हुए, क्योंकि कोरोना की मार यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने सही, साथ में जो आपदा काल होता है आपदा काल की वजह से भी यात्रा बाधित होती है, जिसका असर स्थानीय व्यापारियों में भी देखने को मिलता है। तो यहीं के जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस साल कैसा रहा यात्रा काल। क्या नाम है आपका? प्रदीप रावत। प्रदीप जी, आप टैक्सी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। जी सर। कैसा रहा इस बार सीजन? अच्छा रहा सर। कितना कमा लिया? अच्छा खासा कमा लिया है, अपना एक ही गुजारा हो जाएगा सब्जियों का। तो इस बार कुदरत भी मेहरबान रही आप? जी बिल्कुल। तो ये जो एक टैक्सी व्यवसाय होता है उससे जुड़े हुए ये जो हमको अभी एक दर्शक मिले, इनके द्वारा कहा गया है कि बड़कोट से जानकी चट्टी तक जो यात्रियों को ये ढोया करते थे अपने वाहनों के द्वारा, तो ये 6 महीने का जो समय रहा इसमें काफी कुछ अच्छी आमदनी उनको हुई। ऐसे ही अन्य व्यवसायी एक और है, क्या नाम है आपका? हरदीप चौहान सर। हरदीप जी, आप क्या व्यवसाय करते हैं? हम घोड़े चलाते हैं सर। कैसा रहा घोड़े का व्यवसाय इस बार? ठीक ही है सर इस बार। तो कितना कमा लिया होगा? ठीक ही है, गुजारा हो जाता है खाने पीने के लिए बस। तो पिछले साल की अपेक्षा अगर हम बात करें तो इस साल कैसा रहा? थोड़ा बहुत ठीक ही रहा इस बार। इस साल ठीक रहा? ठीक रहा। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक व्यवसायी जो चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है उसके चेहरे में प्रसन्नता देखने को मिल रही है। मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं किस तरीके से अब जो है 6 माह पूरे होने को हैं, कपाट बंद होने को हैं और जो यहां पर जो है यात्रा व्यवसाय से जुड़े जो लोग हैं वो अब अपने पैकिंग की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आने वाला 6 महीना जो 6 महीने के बाद जो यात्रा काल प्रारंभ होगा अब उसकी इंतजारी में है। नए कलेवर के साथ, नए जोश और जुनून के साथ वो तैयारी करेंगे जिससे कि उनकी आमदनी में और अधिक इजाफा हो। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से यमुनोत्री धाम की जो पहाड़ियां हैं बिल्कुल बर्फ से सराबोर होने लगी है। यहाँ पर जो है धूप ढलते ही यहाँ पर जो है तापमान में कमी देखने को मिलती है और इसका असर जो है अब जो कम दिन बचे हैं जो यात्रा काल के समाप्त होने में उस पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि यात्रियों की संख्या में भी कमी यहाँ पर जो है अब देखने को मिल रही है। ओंकार बहुगुना उत्तराखंड तक उत्तरकाशी।